नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल कुंवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमने BSTC एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जो BSTC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है जयपुर है जो ब्लू पॉटरी का या पॉटरी का प्रमुख केंद्र है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है नागौर और अजमेर में कुबड़ पट्टी है। कहाँ पर? नागौर और अजमेर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? तो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है फतेहपुर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है वह है जयपुर में, ठीक है। कौन सा केंद्र? दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ पर? जयपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है उदयपुर को, ठीक है। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जोधपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री ने। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी वो किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना है वो है बीकानेर स्थान में, ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। वह कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है राजस्थान, ठीक है। तो क्या है? जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है राजस्थान। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक आद्र स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आद्र स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है माउंट आबू। माउंट आबू है जो राजस्थान का सर्वाधिक आद्र स्थान है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु है तो कौन से है? गाय, ठीक है। गाय है जो राजस्थान में सर्वाधिक पशु है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है? तो वह है दुधारू पशु, ठीक है। दुधारू पशु है जो सर्वाधिक प्रतिशत है, दुधारू पशुओं का सर्वाधिक प्रतिशत है कहाँ पर? राजस्थान में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बीछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बीछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको याद रखना है सोम नदी का, ठीक है। सोम नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो बीछामेड़ा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपको याद रखना है यह है घोड़ावण, ठीक है। घोड़ावण है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? राजस्थान का
अन्न भंडार कहलाता है। तो कौन कहलाता है? श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर है जो राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपको याद रखना है ऊन का। ठीक है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? सेवर में। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सेवर में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना रूपतम जाट ने कब की थी? राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना रूपतम जाट ने कब की थी? तो आपको याद रखना है 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना की थी किसने? रूपतम जाट ने की थी। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1 अप्रैल 1978 ईस्वी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है, जयपुर का पुराना नाम क्या है? जयपुर का पुराना नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पुराना नाम है ढूंढार। तो ढूंढार किसका पुराना नाम है? तो आपको याद रखना है जयपुर का। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि राजस्थान में शीशा व जस्ते की सर्वाधिक भंडार स्थित है? राजस्थान में शीशे व जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? जावर में। ठीक है, राजस्थान के सर्वाधिक शीशे व जस्ते के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है जावर में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो प्रमुख केंद्र कौन सा है? सांभर। ठीक है, सांभर है जो राजस्थान में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपको याद रखना है 5। ठीक है, 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है किसे? राजस्थान को। तो दोस्तों आपको 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।